हमने यहाँ ओडी को बेक पेपर ले लिया है जो बहुत ही कन्वीनियंट और हैसल फ्री है। तो हमने यहाँ 6 इंचेस का टिन लिया है तो उसके हिसाब से हमने यहाँ कटिंग्स कर लिए हैं। अब हम यहाँ टिन में लगा देंगे और ओडी को बेक पेपर को अच्छे से अरेंज कर लेंगे। हमने ओडी को बेक पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप चाहो तो उधर से परचेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ आज 1 कप प्रीमिक्स ले लिया है जिसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम केक बैटर को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा केक बैटर लम्प फ्री हो। अगर आप इस केक को कढ़ाई में बेक करना चाहते हैं तो प्रीहीटेड कढ़ाई में 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर आप बेक कर लेंगे। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक कर लीजिएगा। यहाँ हमारा केक अच्छे से बेक हो गया है और हम इसे बिल्कुल ठंडा कर लिया है। अब हम इसे डीमोल्ड भी कर लेंगे। आप देख सकते हो कि ओडी को बेक पेपर की वजह से हमारा केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो गया है। अब हम इस केक की फ्रॉस्टिंग करेंगे तो इस स्पॉन्ज को हम 2 लेयर्स में कट कर लेंगे। अब हम केक को 2 लेयर्स में कट कर लेंगे और बेस लेयर को अच्छे से हम सोक कर लेंगे, क्योंकि मेरा ये अर्जेंट केक का ऑर्डर था तो हमें फटाफट भी करना था और बहुत ही इजी केक था, ब्लूबेरी केक था, तो हमें फटाफट कंप्लीट करके ये ऑर्डर देना था। तो इसलिए हमने ये स्पॉन्ज भी हमारा 15 मिनट्स में बेक हो गया था, बस आइसिंग की ही देरी थी। ऐसा जब रहता है, जब भी आपको अर्जेंट ऑर्डर रहता है तब आप सोकिंग के लिए हमेशा आइस वाटर लेंगे तो क्या हमारा केक अच्छे से जल्दी से सेट हो जाएगा। इसलिए अब मैंने यहाँ आइस वाटर से अच्छे से सोक कर लिया है। अब हम विप क्रीम अप्लाई करेंगे और अच्छे से केक पे स्प्रेड कर देंगे। उसके बाद अब हम ब्लूबेरी क्रश भी लेंगे जिसे हम केक पर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम यहाँ व्हाइट चॉको चिप्स ऐड कर देंगे क्योंकि कोई भी फ्रूट केक फ्लेवर रहता है, पाइनएप्पल हो गया, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, तो उसमें व्हाइट चॉको चिप्स ऐड करने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अब हम सेकेंड लेयर ऐड करेंगे और सबसे पहले हम साइड से कवर करेंगे ताकि हमारा केक परफेक्ट स्ट्रेट बने और केक की स्टैकिंग एकदम ही परफेक्ट हो। अब हमारा केक भी स्टैक हो गया है। अब हमने सेकेंड लेयर जो रखा है उसको भी अच्छे से सोक करेंगे ताकि हमारा स्पॉन्ज बहुत ही सॉफ्ट बने। और अब हम पूरी केक की क्रम कोटिंग भी कर लेंगे। इसी छोटी छोटी बात से हमारी केक परफेक्ट बनती है। अब हम केक को 10 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि सारे क्रम्स अच्छे से सेट हो जाए और हमारा फाइनल फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट बने। अब 10 मिनट के बाद हमारा केक सेट हो गया था तो मैंने यहाँ पाइपिंग बैग में सिंपल व्हाइट विप क्रीम फिल कर दी है और इसी से मैं पूरी केक को कवर कर दूंगी। और ये टेक्निक से हमारे शार्प एजेस बहुत ही परफेक्ट आते हैं। अगर आप बिगनर्स हो और आपके शार्प एजेस अभी भी ठीक ठाक आते हैं, परफेक्ट नहीं आते, तो आप ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स कर भी बताइएगा कि आपको ये टेक्निक यूज़फुल है या नहीं है। तो अब इस तरह से हम पूरी केक को कवर कर देंगे और हमारे पैलेट नाइफ से इस तरह से हम फिनिशिंग कर देंगे। इस तरह से हम प्लेइंग कार्ड से भी थोड़े अच्छे से फिनिशिंग कर देंगे ताकि हमारे साइज एकदम परफेक्ट आ जाए। और फिर जो एक्स्ट्रा क्रीम है इस तरह से पैलेट नाइफ से हम निकाल देंगे तो हमारे शार्प एजेस एकदम आराम से बन जाएंगे। और बहुत ही ईजी मेथड है और ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं अक्सर ये मेथड यूज़ करती हूँ शार्प एजेस लाने के लिए। तो आप भी ये मेथड यूज़ कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके लिए ये मेथड यूज़फुल है या नहीं। और साथ ही हमारे चैनल धर्मीस केक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैंने यहाँ इस तरह से ज़िगज़ैग स्क्रैपर ले लिया है जिसे मैं केक के साइड वॉल्स पर लगा रही हूँ ताकि हमें केक वॉल पे अच्छे से डिज़ाइन मिल जाए। और मैं इस तरह से पूरा केक टॉप को क्लीन कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पे न्यूट्रल जेल ले लिया है। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा न्यूट्रल जेल लिया है क्योंकि मुझे पूरा केक न्यूट्रल जेल से कवर करना है। उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना पानी डाला है, 2 ड्रॉप स्काई ब्लू कलर और 1 टीस्पून से भी कम एडिबल ग्लिटर डाला है ताकि एक केक को बहुत ही अच्छा शाइन मिले। और मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी भी मुझे कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक लग रही है तो मैं फिर से थोड़ा पानी ऐड करके ये अच्छे से न्यूट्रल जेल का मिक्सचर बना दूंगी। उसके बाद हम ये केक न्यूट्रल जेल के मिक्सचर को केक पर डाल देंगे
और केक पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इस तरह से मैंने स्पून की हेल्प से मैंने यहाँ साइड वॉल्स पर न्यूट्रल जेल ऐड किया है, लेकिन ये करने में मुझे बहुत ही टाइम लगा। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसमें चला गया था और मेरी यहाँ मिस्टेक भी हो गई थी। तो आप ये मिस्टेक मत करना। आपको क्या करना है कि पाइपिंग बेल में न्यूट्रल जेल ऐड करना है, ये जो हमने कलर वाला मिक्सर बनाया है वो, और उससे ही हम साइड वॉल्स पे स्प्रेड करेंगे। जैसे हमने विप क्रीम स्प्रेड किया था साइड वॉल्स पे पाइपिंग बैग की हेल्प से, उसी तरह से न्यूट्रल जेल भी स्प्रेड करना है। तो आपका टाइम ज़्यादा बच जाएगा और केक जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगी। ये मेरी मिस्टेक जो आपके साथ मैंने शेयर की है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो सकती है, तो ऐसी मिस्टेक आगे दोबारा से ना हो, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारी चैनल धर्मीज केक एंड बेक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो इस तरह से मैंने पूरी केक को कवर कर दिया है और हमारी केक बहुत ही प्रीटी लग रही है। और बहुत सारे फ्रेंड्स हमें कमेंट करते हैं कि आप केक को केक बोर्ड पर कैसे शिफ्ट करते हो। तो मैंने यहाँ पैलेट नाइफ को साइड से केक के बीच में इंसर्ट किया है, फिर मैंने उसे केक बोर्ड पर रख दिया है। अगर आपको एक पैलेट नाइफ से नहीं जमता है तो आप दो पैलेट नाइफ का यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने केक बोर्ड पर रखा और पैलेट नाइफ पे मैंने थंब प्रेस किया और फिर मैंने पैलेट नाइफ को बाहर निकाल दिया है। यही मेथड है कि आप केक को केक बोर्ड पर आराम से रख सकते हो। अब मैंने यहाँ नूर 46 नंबर का नोजल ले लिया है, जिसमें मैंने सिंपल वाइट विप क्रीम भर दी है और इस तरह से मैंने शेल बॉर्डर से केक की बेस लाइन को कवर कर दिया है। क्योंकि हमारी केक ऑलरेडी न्यूट्रल जेल से कवर है, तो हमारी केक ऑलरेडी बहुत ही प्रिटी लग रही है और ग्लिटर ऐड करने से हमारी केक में और भी चार चांद लग गए हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी केक बहुत ही अच्छे से रेडी हो गई है, जो हमारी अर्जेंट केक का ऑर्डर रहता है। तो आप न्यूट्रल जेल का यूज़ कर सकते हो, उससे भी हमारी ज़्यादातर केक कवर हो जाती है, तो हमारी केक बहुत ही प्रिटी लगती है। इस तरह से मैंने N1 नोजल ले लिया है, जिसमें मैंने बचा हुआ जो जेल था वो ऐड कर लिया और साथ ही विप क्रीम ऐड कर ली, जिससे हमारे बहुत ही प्रिटी रोजेट्स बन रहे हैं। आप देख सकते हो थोड़ा सा न्यूट्रल जेल बचा हो तो हमें इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए, हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ऊपर भी पूरे रोजेट से कवर कर दिया है, तो हमारी केक बहुत ही प्रिटी लग रही है। आप भी कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको ये केक डिज़ाइन कैसी लगी। अब मुझे यहाँ केक पर नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ इस तरह से वेफर बिस्किट ले लिया है और कनाश की हेल्प से उसके ऊपर नाम भी लिख देंगे। और जो एक्स्ट्रा वेफर बिस्किट बचा है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे और ये जो नेम वाला वेफर बिस्किट है वो हम केक पर इस तरह से प्लेस कर देंगे। आप देख सकते हो हमारी केक बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही है और बहुत ही फटाफट बन गई है। आपको ये वीडियो कैसे लगा तो हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए केक बनाइए, सबको खिलाइए और इन्जॉय कीजिए। बाय बाय।